नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज खबरों के साथ मैं रवि कुमार गुप्ता। सबसे पहले हेडलाइन, हेडलाइन के प्रायोजक हैं रील पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, एलआईसी बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट एट लाइव बारबेक ऑन एवरी टेबल। ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा सेलिब्रेटिंग रिकॉर्ड सक्सेस इन JEE मेंस 2020, बेस्ट फैकल्टी टीम, इंफ्रा एंड मैनेजमेंट। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद नियर WIT दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2020-21। अब करवाएं अपनी बिटिया का एडमिशन होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2020-21। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्कूल कॉलेज बंद किए गए। 18 मार्च को निर्धारित पंचायत उपचुनाव स्थगित। डीएम ने कहा उचित मूल्यों की दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाए। नुक्कड़ सभा के माध्यम से शिक्षकों ने समाज में बताई अपनी मजबूरी। DPMI के छात्रों को मिला दिल्ली में इंटर्नशिप करने का मौका। सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग मैच अगले आदेश तक स्थगित। जिला परिषद सदस्य के द्वारा मुख्यमंत्री को मैथिली भाषा में पढ़ाई वे शिक्षक बहाली को लेकर के मांग पत्र। अब खबरें विस्तार से किंतु छोटे से ब्रेक के बाद। ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा। आवर क्लासरूम प्रोग्राम्स इंजीनियरिंग मेडिकल एंड प्री फाउंडेशन फॉर क्लास 7 टू 10। रीजन टू ज्वाइन अस। क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। इंपेकेबल एडमिनिस्ट्रेशन। हाई क्वालिटी एंड ट्रेंड फैकल्टी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। डॉट सॉल्विंग सेशन एंड स्पेशल हेल्प डेस्क। पैटर्न प्रूफ ट्यूटोरियल। पर्सनलाइज्ड कोचिंग। Motivational seminars and personal counseling. Well-equipped library. S3 TMC. Safe campus. Transport facility and reasonable fee. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. अब करवाएं अपनी बिटिया का एडमिशन होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE कैरिकुलम न्यू दिल्ली के आधार पर यहां कक्षा प्री से 10वीं तक की पढ़ाई होती है। हमारा मोटो स्पेशली बच्ची को ऑलराउंड डेवलपमेंट इन एनी एक्टिविटी और कंपटीशन पर है। तो आज ही आए होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर दरभंगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी उपलब्ध है हर एक चौक चौराहे के लिए। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन चालू है 2020 से 21 के लिए। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर 9431219670, दूसरा 9534600078, तीसरा 9297907777। दिवाकालीन सह छात्रावास युक्त दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा 2006 से निरंतर मिथिलांचल की हृदय स्थली में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा नवीनतम तकनीकों एवं उपेक्षित मानव मूल्यों से युक्त संस्कारवान शिक्षा के प्रतिबद्ध आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने में सक्षम है। हम अपने छात्रों को पूर्ण व्यक्तित्व विकास और यथा योग्य मंच हासिल करने में सहयोग कर सके। हमारी सुविधाएं दक्ष एवं कुशल विभिन्न प्रांतों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं दरभंगा राज परिवार की समीपत से उत्पन्न शांत एवं प्रदूषण रहित वातावरण 2011-12 से स्मार्ट क्लासेस का उद्यम प्रयोग भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान की प्रयोगशालाएं तो प्रयोग प्रवेक्षक
छात्र छात्राओं की हीन ग्रंथियों एवं सशक्त स्वास्थ्य निर्माण में उपयोगी मार्शल आर्ट एवं कराटे ताइक्वांडो का उम्दा प्रशिक्षण। विद्यालय परिसर की भाषा इंग्लिश। हम चांद दिखाते नहीं रास्ता बताते हैं। वातानुकूलित छात्रावास, एक बार आकर स्कूल को देखें और हमें सेवा करने का मौका जरूर। प्रिंटिंग की दुनिया का ऑल इन वन सॉल्यूशन एमएस ग्राफिक्स। जी हाँ, यहाँ प्रिंटिंग से संबंधित सारे कार्य एक जगह उपलब्ध है, जैसे कि फ्लेक्स प्रिंटिंग, विनाइल, लाइट बोर्ड, वन वे विजन, विजिटिंग कार्ड, सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, कैलेंडर, हैंडविल, पैम्पलेट्स आदि। प्रचार प्रसार के लिए हमारे यहाँ प्रचार प्रसार के लिए रिक्शा भी उपलब्ध है, तो है ना ऑल इन वन सॉल्यूशन एमएस ग्राफिक्स। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा पता सुभाष चौक नियर ली शोरूम। हमारा मोबाइल नंबर है 8409180860। दूसरा 6200851। बिहार राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं उससे बचाव के लिए आवश्यक उपाय करने के संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पटना में आज एक उच्च स्तरीय बैठक आहूत की गई। सरकार के निर्देशों के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा दरभंगा जिला के सभी विद्यालय, निजी विद्यालय सहित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सभी सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था तत्काल स्थगित रहेगी, परंतु मध्याह्न भोजन की राशि की गणना कर सीधे संबंधित छात्र के खाते में दिनांक 31 मार्च 2020 से पहले जमा करा दिया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, परंतु आंगनबाड़ी केंद्र के लाभुक महिलाओं को टेक होम रेशन दिया जाएगा, व्यवस्था जारी रहेगी और बच्चों को भोजन की राशि की गणना कर यह राशि सीधे संबंधित अभिभावकों के खाते में दिनांक 31/3/2020 के पहले जमा कर दी जाएगी। कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव हेतु दिनांक 18 मार्च 2020 को निर्धारित पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान को सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थगित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के सचिव महोदय द्वारा सभी जिला अधिकारी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि पंचायत उपचुनाव हेतु मतदान की संशोधित तिथि बाद में घोषित की जाएगी। बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के तहत जन वितरण प्रणाली की दुकान के आवंटन में अनुकंपा मामले को छोड़कर के प्रथम प्राथमिकता स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी। इसके बाद क्रम से महिला सहयोग समितियां, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां, शिक्षित बेरोजगार एवं संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। उचित मूल्य की दुकानों की रिक्तियों को भरने में आरक्षण रोस्टर का भी अनुपालन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया है कि उचित मूल्यों की दुकानों के रिक्तियों में अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1%, अत्यंत पिछड़े वर्ग को 18%, पिछड़ा वर्ग को 12% एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 3% आरक्षण का लाभ प्राप्त है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति का सुयोग उम्मीदवार नहीं मिलने पर इसे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरा जाएगा। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर हड़ताल के 26वें दिन शिक्षकों ने दरभंगा टावर पर नुक्कड़ सभा करके अपनी मांगों के प्रति लोगों को जागरूक किया और शिक्षकों के हड़ताल में सहयोग करने की अपील की। मौके पर उपस्थित बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष शंभु यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के 4.5 लाख लोग शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल पर है और बिहार के 76,000 विद्यालयों में ताले लटके हुए हैं। बावजूद इसके सरकार
सरकार हमारी मांगों पर विचार करने के लिए हम पर कार्रवाई के लिए पत्र पर पत्र लिख रही है। एक ओर जहां बिहार में रोजगार के लिए अभ्यर्थी भटक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार नौकरी छीनने का काम कर रही है। समाज के लोगों को यह भी सोचना होगा कि उनके बच्चे को सरकार नियोजन के दंश में झोंकने की प्रयास कर रही है। शिक्षक मात्र अपनी लड़ाई ही नहीं बल्कि समाज की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, ताकि कल को कोई भी छात्र लाखों खर्च कर डीएलएड बीएड करके नियोजित शिक्षक ना बने। दिल्ली पारा मेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दरभंगा शाखा के करीब सैकड़ों छात्र छात्राओं ने इंटर्नशिप में विभिन्न क्षेत्र हैदराबाद, दिल्ली, रांची, बेंगलोर और दरभंगा के विभिन्न हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप में ग्लोबल हॉस्पिटल, आईबी स्मृति, एके चौधरी लैब, मार्क डायग्नोसिस जैसे विभिन्न हॉस्पिटल के नाम शामिल है, जिसमें पिछले कुछ दिनों पहले डीपीएमआई की मुख्य शाखा दिल्ली में इंटर्नशिप करने के लिए छात्रों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें मोहम्मद अतहर, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अजीम, फयाज अशरफ, सिराजुद्दीन, सोनाली, समीदा एवं बेगम, खालिद जिया, मोहम्मद एजाज, नीतीश, अजय एवं राहुल राज ने सफलतापूर्वक अपना परीक्षा पास किया और वे सभी छात्र छात्राओं को संजीवनी हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं जिन एक्स एन के बी एल पैथ लैब में इंटर्नशिप करने का मौका मिल गया है। ये सभी मेडिकल लेबोरेटरी, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा सभी प्रकार के सांस्कृतिक एवं खेल संबंधी कार्यक्रम को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। उक्त के आलोक में दरभंगा जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग मैच अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है। लीग मैच को संशोधित कार्यक्रम से प्रारंभ होने संबंधी जानकारी आयोजित समिति को बैठक के बाद ली जाएगी। इस आशय की जानकारी आयोजन समिति के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने दी। आज जिला परिषद सदस्य राजकुमार झा के अगुवाई में एक शिष्टमंडल ने दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त के सचिव को मुख्यमंत्री के नाम मैथिली भाषा मातृभाषा में पढ़ाई वे शिक्षक बहाली को लेकर के एक मांग पत्र सौंपा है। पत्र में कहा गया है कि संविधान के अष्टम सूची की भाषा करोड़ों मिथिलांचल वासियों की मातृभाषा मैथिली में प्रारंभिक शिक्षा जनहित वे शिक्षा हित के लिए अति आवश्यक है, इसलिए इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। ज्ञात हो कि इससे पहले जिला परिषद के समन्वय बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेज दिया गया है। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।